जनपद गाजियाबाद के थाना कोतावली में 1 दिसंबर 2023 को धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक महिला पायल के द्वारा दो भाइयों विनीत गर्ग एवं अंकित गर्ग पर 30 नवंबर 2023 गुरुवार की रात को जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि महिला पायल संजय सूरी के यहाँ काम करती थी, जो कि जनपद गाजियाबाद का माना हुआ हिस्ट्री सीटर है। वह महिला पायल के विरुद्ध भी जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थाना में विभिन्न घटनाओं को लेकर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पायल और संजय सूरी से परेशान होकर सीए अंकित गर्ग और विनीत गर्ग दोनों भाइयों ने मीडिया से गुहार लगाते हुए कहा कि पायल नाम की महिला ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह बेबुनियाद है। पायल संजय सूरी के यहाँ काम करती है। संजय सूरी से हम दोनों भाइयों को बकाया राशि लेनी है, जिसको लेकर हमें फंसाया जा रहा है। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में दोनों भाइयों का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम विनीत गर्ग है, मैं जीएसटी कंसल्टेंट का कार्य करता हूँ गाजियाबाद में। मैंने एक संजय सूरी नाम के व्यक्ति का कार्य किया था यूपी सर्जिकल और सेंट्रल सर्जिकल का, लेकिन उसने मेरा 42,000 रुपये का बकाया नहीं दिया। जब मैंने उसके 42,000 रुपये का बकाया मांगा तो उसने देने से मना कर दिया, बल्कि अपने जीएसटी में हेरा फेरी करने के लिए हम पे दबाव बनाया। तो हमने दबाव बनाने से मना कर दिया कि हम तुम्हारा कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, जिस वजह से मैंने उसका काम छोड़ दिया और 42,000 रुपये का नोटिस भेजा। जब उसके बाद उसने पैसा नहीं दिया तो हमने उसको लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद भी उसने हमारा कोई भी पैसा बकाया नहीं दिया। जिसके बाद उसके पास जो है टैक्स चोरी का नोटिस आया, 8500 रुपये का उसने टैक्स चोरी करी थी, जिसका उसने नोटिस आया। तो उसने मुझसे कहा कि इसे फ्री में ख़त्म करो। हमने कहा कि भैया जीएसटी का मैटर है, आप उसे पैसा पे करो सरकार को, तभी ये ख़त्म होगा, उससे पहले ख़त्म नहीं होगा। तो उसने मेरे पास एक अपने यहाँ पे काम करने वाली पायल सिसोदिया, दो बदमाशों को भेजा, जिसके एक के हाथ में तमंचा था और एक के हाथ में डंडिया था, और पायल सिसोदिया गालियाँ देते हुए मेरे ऊपर आई और कहने लगी तुझे कार्य करना नहीं आता, इसे फ्री में क्यों नहीं कर रहा, संजय भाई के काम क्यों नहीं कर रहा, तू तुझे गलत केस में फंसवा दूंगी। उधर से वो तमंचा मेरे भाई के कनपट्टी पर रख के कहता है तुझे संजय का काम करना पड़ेगा और फ्री में करना पड़ेगा, नहीं तो तुझे गाजियाबाद में नहीं रहने देंगे। हमने उसे मना कर दिया। उसके बाद वो सिहानी गई, जहाँ पर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर किया, वो एप्लीकेशन दिया, जिसमें पता चला कि वो फर्जी हैं। उस एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद हमने भी एप्लीकेशन दिया कि भाई साहब इन्होंने ऐसे ऐसे करके हमारे पास दो अज्ञात क्या नाम है गुंडे भेजे हैं, जिसके में एक का नाम प्रवीण है, वो भी एक तुराब नगर में वसूली का काम करता है, एक पायल सिसोदिया जिसके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे हैं, इन लोगों को हमारे पास भेज रहा है और गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी उस एप्लीकेशन पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, बल्कि हम पे एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया ज्योति सूरी द्वारा, जो कि एक संजय सूरी की ही वाइफ है, और उसने ऐसे फर्जी मुकदमे काफ़ी लोगों पर कर रखे हैं, जिनमें उसके भतीजे भी इन्वॉल्व हैं, अपने भतीजों पर भी उसने फर्जी मुकदमे कर रखे हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने गुहार लगाई प्रशासन पे कि इस फर्जी मुकदमे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत हैं। हमारा एक भी सबूत प्रशासन ने नहीं लिया, बल्कि हम पे दबाव बनाया कि आप इससे सेटलमेंट कर लो। हमने मना कर दिया सेटलमेंट करने के लिए। हमने कहा ये फर्जी बंदा है, आप इसको अरेस्ट करो, और ये हिस्ट्री शीटर है, और इसके ऊपर करीब 20 से ऊपर ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक रेप भी आता है, रेप करने की इसने कोशिश करी है, जीडी का अधिकारी बन के पैसे ऐंठने की कोशिश करी है, पड़ोसन को पीटने की कोशिश करी है, पता नहीं कितने अज्ञात इस पर जो मुकदमे दर्ज हैं, और ये गुनहगार साबित है, और ये हिस्ट्री शीटर है गाजियाबाद में सिहानी गेट पे। उसके बाद हमने फिर मना कर दिया, हम आपका कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद इसने एक गलत मुकदमा मुझ पे 307 और दायर कर दिया पायल सिसोदिया के थ्रू। पायल सिसोदिया के ऊपर पहले से इतने मुकदमे दर्ज हैं, उसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको कैसे पता है कि संजय सूरी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज? ये हमें सिहानी गेट में पता चला, जब सिहानी थाने में गए कि भाई साहब इसका कुछ करो, ये तो हमें जीने नहीं दे रहा, कभी हमारे पीछे अज्ञात बदमाश छोड़ देता है, कभी तमंचा दिखाता है। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो हिस्ट्री शीटर है, आप इसके अपना एक एडवोकेट अपॉइंट करके इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर करो, ताकि गैंगस्टर करार हो जाए। इसके बाद हमने गैंगस्टर के लिए पुलिस कमिश्नर जी को भी एप्लीकेशन दी है, जिसका अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही अभी तक गैंगस्टर घोषित हुआ है। ये कुख्यात बदमाश गाजियाबाद का है, और इसके पास करीब 5 से 6 बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर पहले से हैं, जो कि तमंचा लेकर घूमते हैं और उगाई करने का काम कार्य करते हैं। उसके बाद इसके पास एक अपनी पत्नी है ज्योति सूरी, जो उसका भी कार्य क्या है, दूसरों पर वो इल्ज़ाम लगाकर 2-3 लाख रुपए ऐंठने का काम उसका है। एक पायल सिसोदिया है, जो भी इसके सारे गुनाह में इसका साथ देती है। पायल सिसोदिया, ज्योति सूरी, संजय सूरी, इन तीनों के ग्रुप ने पूरे गाजियाबाद में 85 FIR लोगों पे क्या नाम अपने ऊपर भी कर रखी हैं और लोगों के ऊपर भी कर रखी हैं। तो कृपया करके सरकार प्रशासन, हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमारा साथ दें, जो हम पे फर्जी मुकदमे करे गए हैं,
क्या पायल सिसोदिया के थ्रू हमारे पास सारे प्रूफ हैं, वो उसे निरस्त किया जाए और इन लोगों को जेल में डाला जाए, क्योंकि ये लोग क्या नाम है गाजियाबाद में लोगों को ना तो जीने दे रहे हैं, ना हमें जीने दे रहे हैं, ना किसी और को भी जीने दे रहे हैं। मेरी प्रशासन से प्रार्थना है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जैसे मैं शिकार हुआ हूँ ऐसे और कोई शिकार इस गाजियाबाद में ना हो और किसी पर फर्जी मुकदमे दर्ज ना हों।